हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ अपनी स्किन केयर शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैं समर में काफ़ी प्रॉब्लम होती है स्किन केयर करने में, मोस्टली लोग नहीं करते, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा डल और ख़राब हो जाती है और कुछ लोगों के पास टाइम नहीं होता होम रेमेडीज़ करने का, तो वो आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं वो लोग। और मैं भी, जैसे कि आजकल मुझे टाइम नहीं मिल रहा तो अक्सर ही मैं प्रोडक्ट्स यूज़ कर देती हूँ। और ये मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ की है, ये बाय टू यू की नाइट क्रीम है। मोस्टली नाइट में जब मैंने क्रीम अप्लाई करनी होती है तो मैं ये क्रीम अप्लाई करती हूँ। मेरी तरफ से फुल रिकमेंडेड है, हॉट सेलर क्रीम है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। और जब मैंने भी नाइट में अप्लाई करनी होती है तो मैं यही क्रीम अप्लाई करती हूँ। जिन लोगों की बहुत ज़्यादा डल डबल टोन स्किन हो जाती है, तो इससे आपकी स्किन एक तो ब्राइट होती है, दूसरा आपकी स्किन में जितने भी डबल टोन होती है स्किन वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और जिन लोगों के डार्क स्पॉट्स वगैरह बन जाते हैं वो भी इससे रिकवर हो जाते हैं, स्किन में ग्लो बहुत अच्छा आता है। मोस्टली नाइट क्रीम्स से ना आपके ग्लो नहीं आता, वो जस्ट फेयरनेस देती है, लेकिन इसके अंदर ऐसे पार्टिकल्स हैं कि आपकी स्किन को ग्लो भी देते हैं। और अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं ये क्रीम तो मेरा डिस्काउंट कोड भी है हबीबा10, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं और 10% आपको इस पे ऑफ भी मिलेगा। ऑल ओवर द प्रोडक्ट्स, जितनी भी आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं उन सब पे आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। ये है फेस वॉश बायो टू यू का। अच्छा, बायो टू यू जो सी कंपनी है, एक तो ये इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारी मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जो कि आपकी स्किन को बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देती और बेस्ट रहती हैं जो जितनी भी मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं। दूसरा, ये क्लिनिकली एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बात बायो टू यू की पैकेजिंग की ये है कि इनकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा हाइजेनिक है। एक तो इनका ये देखें, आप जो फेस वॉशेज़ भी हैं इनको आपको फिंगर से टच नहीं करना पड़ता, मोस्टली ट्यूब फॉर्म में होते हैं, आप उसको फिंगर से टच करते हैं तो आपकी हाइजेनिक नहीं रहती, मीन्स के आपके बैक्टीरियाज उसमें बनने लग पड़ते हैं जो कि आपकी स्किन पे हार्मफुल होते हैं। आपकी स्किन पे एक्नी हो जाती है, हाइपर एक्टिव एक्नी हो जाती है मोस्टली लोगों के। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग है वो बहुत ज़्यादा हाइजेनिक है। पंप में जब भी पैकेजिंग आती है तो वो आपकी हाइजेनिक रहती है और आपकी फिंगर भी नहीं टच होती है। और बायो टू यू की सिर्फ फेस वॉशेज नहीं है, चंद एक प्रोडक्ट्स नहीं है, काफ़ी हाई रेंज है इनकी प्रोडक्ट्स की, मीन्स के क्रीम्स हैं, सीरम्स हैं, मास्क हैं, सन ब्लॉक्स हैं, सनस्क्रीन्स हैं, फेशियल किट्स हैं, इस तरह से बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। मैं आपको डिटेल में डिस्प्ले भी कर दूंगी वेबसाइट से, तो आप वहां से आराम से ऑर्डर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये बहुत ज़्यादा हाई अफोर्डेबल है, मीन्स के इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, आप आराम से ले सकते हैं। वरना आजकल जो सन ब्लॉक्स हो गए, फेस वॉशेज़ हो गए, उन्हीं की प्राइसेस काफ़ी हाई होती हैं, तो आप आराम से इनको परचेज़ कर सकते हैं। दूसरा, आपकी ये क्वांटिटीज़ जो सी हैं वो काफ़ी ज़्यादा, आप ये देखें बॉटल जो सी है फुल है और ये मैं आई थिंक सो 1 month से यूज़ कर रही हूँ और मेरी अभी भी हाफ से ज़्यादा पड़ी हुई है, मीन्स कि आपके 2-3 months आराम से गुजर जाते हैं और आप दोबारा से फिर ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, ये है बायो टू यू का फेस वॉश। अच्छा, ये ब्राइटनिंग के लिए यूज़ होता है और बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर है। एक तो ये इसका पीएच बैलेंस होता है, मींस कि आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, ऑयल फ्री है, ऑल स्किन टाइप्स के लिए। हाँ जी, तो इसका मैं आपको टेक्सचर भी निकाल के दिखाती हूँ, बहुत अच्छा इसका टेक्सचर है। एक तो इसमें माइक्रोबीड्स हैं, ब्राइटनिंग माइक्रोबीड्स हैं जो कि आपकी स्किन को बिल्कुल ब्राइट करते हैं। जिन लोगों की स्किन डल हो जाती है, ये ब्राइट नहीं होती, अन इवन टोन होती है, तो आपकी स्किन को ये इवन टोन करता है, आपकी कॉम्प्लेक्शन को इवन टोन करता है और आपकी जितने भी डार्क स्पॉट्स होते हैं, पिगमेंटेशन मोस्टली लोगों के स्किन पे आ जाती हैं, तो वो पिगमेंटेशन को भी ये ख़त्म करता है आहिस्ता आहिस्ता, तो उन स्किन्स के लिए ये फेस वॉश बेस्ट फेस वॉश है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं भी यूज़ कर रही हूँ और मेरी स्किन भी काफ़ी टेक्सचर अच्छा हो गया है और अक्सर पिंपल वगैरह निकल आते होते हैं, इट्स नेचुरल, तो वो मेरे जितने भी पिंपल अक्सर कभी कभी निकल जाते हैं तो वो उसी टाइम एक तो ख़त्म हो जाते हैं और दूसरा फेड हो जाते हैं, बिल्कुल उनके निशान रहते ही नहीं है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी अक्सर मैं मेकअप की अपनी वीडियोज़ में बताती हूँ कि आपने स्किन केयर लाजमी करनी है, क्योंकि अगर जो लोग स्किन केयर नहीं करते हैं तो उनके मेकअप का वो टेक्सचर नहीं होता और आपकी बेस भी
अच्छी तरह से सेट नहीं होती। तो आप ये जो सा फेस वॉश है ये एज अ क्लिंजर भी यूज़ कर सकते हैं मेकअप से पहले, जब आपने अपनी स्किन क्लिंज करनी है तो आप इसको एज अ क्लिंजर यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी बेस बहुत अच्छी लगेगी। आती हूँ कि नेक्स्ट केयर मैं क्या करती हूँ, फेस वॉश करती हूँ, उसके बाद मैं सन ब्लॉक अप्लाई करती हूँ। सन ब्लॉक भी मैंने आप लोगों को बताया कि आपने लाजमी अप्लाई करना है, क्योंकि ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये है बायो टू यू का सन ब्लॉक। इसकी सबसे अच्छी बात ये है, सबसे अच्छा मुझे इसलिए भी लगता है क्योंकि इसके SPF जो से हैं वो 60+ हैं। मोस्टली सन ब्लॉक्स में सन SPF ज़्यादा नहीं होते, जो कि हमारी स्किन को यूवी रेज से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारी स्किन को बहुत अच्छा प्रोटेक्ट करता है। और जैसे कि समर है, समर में हम बाहर निकलना होता है, सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है, तो उसमें हमें ज़्यादा SPF ज़रूरी होते हैं। तो इस सन ब्लॉक के जिनसे SPF काफ़ी ज़्यादा हैं, 60 अबव हैं, जो कि हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है यूवी रेज से। और वाटर रेजिस्टेंट है, मीन्स कि आपकी स्किन ऑयली नहीं होती, ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। भी मेकअप हम करते हैं तो आपने सन ब्लॉक तब भी लाजमी लगाना होता है जब हम मेकअप करते हैं। तो इसकी सबसे अच्छी बात है, इनकी जो सी कंसिस्टेंसी है प्रोडक्ट की, वो बहुत ज़्यादा वाटरी नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा क्रीमी है, मीडियम सा इसका टेक्सचर है। जो सन ब्लॉक अक्सर जब मैंने बाहर जाना होता है तब मैं लगाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाती हूँ, या सन में जब जाती हूँ तब मैं यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ मैं ये सीरम यूज़ करती हूँ, और ये सीरम आजकल मेरा बेस्ट सीरम हुआ हुआ है, क्योंकि इससे मेरी स्किन के जितने भी पोर्स ओपन होते हैं वो बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं। इवन कि मैंने 1 वीक यूज़ किया इस प्रोडक्ट को और बहुत ही अच्छा मुझे इफ़ेक्ट मिला, मीन्स के मेरे पोर्स जो थे बिल्कुल श्रिंक हो गए, और मेकअप जब मैं अप्लाई करती थी तो उसके भी पोर्स बिल्कुल नहीं फील होते थे, उसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता था। अच्छा, ये आप एज अ प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं ये सीरम, और एज अ प्राइमर भी बहुत अच्छा है, मीन्स के मेकअप से पहले आप इसको अप्लाई कर लें, 5-10 मिनट्स के बाद आप मेकअप की फाउंडेशन वगैरह अप्लाई कर लें, तो आपको प्राइमर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2-in-1 मीन्स कि आपकी स्किन का भी टेक्सचर अच्छा हो जाएगा, आपके पोर्स भी क्लोज हो जाएंगे, और एज अ प्राइमर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बायो टू यू का सीरम 24 कैरेट है, गोल्ड टेक्सचर में है, मीन्स कि 24 कैरेट गोल्ड सीरम है, और इस ये आपकी स्किन को ग्लो देता है। आपकी जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं एज अ ग्लोइनेस के लिए, और दूसरा आपके पोर्स को जो है वो बिल्कुल क्लोज कर देता है आहिस्ता आहिस्ता। अगर आप ये 2-3 मंथ रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स मिलेंगे, और ये आपको बार बार हर मंथ मंगवानी भी नहीं पड़ेंगी। आप ये देख सकते हैं काफ़ी बिग बॉटल है इसकी, और प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो ये 24 कैरेट सीरम्स जितने भी होते हैं वो आपकी स्किन की टाइटनिंग के लिए बहुत बेस्ट होते हैं, एंटी एजिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होते हैं, और आपकी स्किन के जितने भी कोलाजन है उसको स्लो डाउन करता है कि आपकी स्किन टाइटन अप रहती है, और आपकी स्किन जिनसी है वो एवर यंग रहती है। तो ये बेस्ट सीरम है आपकी स्किन के लिए, जिन लोगों ने जवान रहना है तो वो अभी इसको बाय करें, मंगवाएं और यूज़ करें, और ईद से पहले आप यूज़ करें इन प्रोडक्ट्स को, आपकी स्किन जिनसी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, और आपकी मेकअप करने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी, आपकी स्किन जिनसी हाइड्रेटेड होगी तो आपका मेकअप अच्छा लगेगा। हाँ जी, तो एक और मैं सबसे अपनी फेवरेट प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बायो टू यू की हाइड्रा नेक्टर डे क्रीम। सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी पैकेजिंग जो है वो बहुत हाइजेनिक है, मीन्स कि आपको मैं अभी दिखाती हूँ कि आपको इसको ओपन नहीं करना पड़ेगा नीचे से, आप जस्ट इसको पंप करेंगे इस तरीके से, इस तरह आप पंप करेंगे तो ये क्रीम पंप करके बाहर आ जाती है इस तरीके से, और आप आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्किन पे। इसका टेक्सचर एक तो बहुत ज़्यादा लाइट टेक्सचर है, मोस्टली डे क्रीम्स का टेक्सचर बहुत ज़्यादा थिक होता है, वो आपको ब्राइट करने की बजाय आपकी स्किन को और डल कर देती हैं, लेकिन इनका टेक्सचर बहुत ज़्यादा लाइट है। फ्रेग्रेंस इज़ टू नाइस, बहुत ज़्यादा मुझे इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है। तीसरा, आपकी जिन लोगों की बहुत ज़्यादा अनइवन टोन स्किन हुई होती है, आपकी स्किन को ब्राइटर करता है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं बेस्ट इंग्रेडिएंट्स हैं, मींस के आपकी स्किन को जिनसे वो बहुत ज़्यादा इवन टोन करते हैं, ब्राइट करते हैं। इसमें सोडियम फॉस्फेट है, कॉजिक एसिड है, वाइटामिन ई है, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। आपकी जिन लोगों की अनइवन टोन स्किन हुई होती है, कॉम्प्लेक्शन ही ब्राइट हुआ होता, तो उसके लिए ये इंग्रेडिएंट्स बेस्ट हैं और ये क्रीम बेस्ट है। मास्क वगैरह की भी इनके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ह्यूज वैरायटी है ऑल द प्रोडक्ट्स की। तो ये मास्क मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ, 24 कैरेट गोल्ड मास्क है।
अच्छा, आपकी स्किन को ब्राइट करता है, साथ में आपके पोर्स को भी क्लोज करता है, और मेडिकेटेड मास्क है जो कि आपकी स्किन के लिए बेस्ट है। मोस्टली मास्क ऐसे होते हैं वो मेडिकेटेड नहीं होते, इसलिए वो बाद में आपकी स्किन को डल कर देते हैं, जब आप यूज़ करना छोड़ देते हैं तो वो डल कर देते हैं। अच्छा, इनकी सारी रेंजेस बहुत अच्छी हैं, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स हैं, तो इनका आपका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता देती हूँ कि इनकी वेबसाइट का क्या लिंक है। दूसरा, आपको मैं ये शो करा रही हूँ, आप यहाँ से बाय भी कर सकते हैं, बहुत इजी टू बाय है, ऑनलाइन आप यहाँ से बाय करें। और बहुत ह्यूज वैरायटी है इन लोगों की, सीरम्स हैं, क्रीम्स हैं, फेशियल्स हैं, और भी बहुत ज़्यादा मास्क वगैरह हैं, तो आप यहाँ से आराम से परचेज़ कर सकते हैं। एंड प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, आई होप कि आप यूज़ करेंगे। अगर आप मेरे रेफरेंस से लेंगे तो आपको 10% ऑफ भी मिलेगा इन प्रोडक्ट्स पे, 10% ऑफ मिलेगा, मेरा कोड है हबीबा10, तो आप यहाँ पे जाएं और मेरा कोड आप यहाँ पे अप्लाई करें तो आपको 10% ऑफ भी मिलेगा। ईद से पहले पहले आप ये प्रोडक्ट्स मंगवाएं और यूज़ करें, बहुत ही आपकी स्किन भी अच्छी हो जाएगी, और आप एज अ स्किन केयर में, मेकअप केयर में जब आप मेकअप से पहले यूज़ कर सकते हैं, सन ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं, इनका सिरम भी एज अ प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर लें, एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है। एंड सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।